सुप्रभात बच्चों, एससीईआरटी द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा पढ़ाई तुम्हारे द्वार में मैं संतोष कुमार विद्या केंद्रीय। आज संस्कृत पढ़ेंगे हम लोग, कक्षा छठवीं। पाठ का नाम है अस्माकं आहार। ठीक है, उससे पहले, पाठ को शुरू करने से पहले, कोरोना के लिए दोस्तों कि मास्क है जरूरी, 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। ठीक है, तो कोरोना अभी कम हुआ नहीं, मास्क लगाना जरूरी है ना। और कोरोना को इतने हल्के में ना लें। आपको पता होगा, जब कोरोना कोई पॉजिटिव हो जाता है या मरीज, तो उसको अस्पताल में जब भर्ती करते हैं, उससे किसी को मिलने नहीं देते। ठीक है, तो आप सोचिए कि यदि किसी कोरोना हो जाए, हम लापरवाही करते हैं, परहेज ना करें, सरकारी गाइडलाइन का पालन ना करें, और दुर्भाग्य से यदि कोरोना हो जाए, सोचो कि अस्पताल में भर्ती करेंगे और कोई हमसे मिलने नहीं आएगा, कितना बुरा लगेगा। बाकी सर्दी खांसी बुखार और कुछ बीमारी रहता है तो हमारे परिजन, हमारे रिश्तेदार आके मिलते हैं, हमारा तकलीफ कम हो जाता है। लेकिन यदि कोरोना हो गया तो कोई भी रिश्तेदार या कोई भी घर का सदस्य मिल नहीं सकता उनसे, अकेले रहना पड़ता है अस्पताल में। तो आप उस चीज़ को कल्पना करिए कि किसी के साथ ऐसा दुर्घटना न हो, और उसे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें, दूरी मेंटेन रखें। ठीक है, पाठ को शुरू करते हैं। तो पाठ का नाम है अस्माकं आहार, हमारा आहार यानी भोजन। अस्माकं हमारा भोजन कैसा होना चाहिए, हमारा भोजन किस प्रकार का होना चाहिए? क्या बासी खाना खाएं, सड़े हुए फल खाएं? ऐसा नहीं है ना, खराब चीजों को हम खाना पसंद नहीं करते हैं, है ना। तो हमारा भोजन किस प्रकार होना चाहिए? कभी कभी लगता है कि ज्यादा हम अपने जीवा तो अपने जीवा के चक्कर में ज्यादा कुछ, जैसे मान लो कुछ लोग गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, उनको अच्छा लगता है, लेकिन हमारे शराब भी पीते हैं ना, तो हमारे जीव को अच्छा लगता है, लेकिन क्या वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है? नहीं। तो इस पाठ में आप उसी के बारे में सब बताया है कि हमारा भोजन किस प्रकार होना चाहिए जो हमें शक्ति प्रदान करे, स्वस्थ रखे, है ना। तो इस तरह के भोजन के बारे में इस पाठ में बताया है। इस पाठ को पढ़ेंगे तो बहुत शिक्षा मिलेगी, है ना। तो पाठ को शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले तुम्हारे पुस्तक में दिया होगा शब्दार्था। तो शब्दार्था यानी शब्दों के अर्थ। ठीक है, तो शब्दों के अर्थ दिए रहते हैं, इसको पहले पढ़ने से पाठ का अर्थ समझने में सहूलियत होता है, जल्दी समझ में आता है ना। कभी कभी पढ़ते समय बीच में पन्ना पलट देते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन सबसे पहले शब्दार्थ को पढ़ लेना चाहिए। शब्दार्थ को पढ़ने से बहुत सारी चीजें हैं, हमको पता चल जाता है कि किस शब्द का क्या अर्थ है, और उसके बाद पाठ को पढ़ने में बड़ा सरल होता है। ठीक है, तो शब्दार्थ को थोड़ा सा देखते हैं। जैसे इसमें लिखा है कि सर्वे प्राणिनः माने सभी प्राणी, सभी जीव, है ना। गृह्णन्ति माने ग्रहण करते हैं, प्राण रक्षार्थम माने प्राण रक्षा के लिए, कीदृशः माने कैसा, उपदिशन्ति तो उपदेश देते हैं या बताते हैं, यत यानी कि सद्यः प्रसूतः यानी तुरंत पैदा हुआ, तुरंत जन्मा हुआ, शिशु यानी बालक बच्चा, एव यानी ही, पौष्टिकम यानी बल बढ़ाने वाला, ताकत देने वाला, संवर्धन्ते यानी बढ़ते हैं, अशक्ताः यानी शक्तिहीन, इसमें शक्ति ना हो, शक्ति से हीन हो, ताकत ना हो, है ना। उष्णम यानी गर्म ताजा, इसमें उष्मा निकलता है, उष्णम है ना, गर्म गर्म चीजों से निकलता है, तो उष्णम यानी गर्म, स्निग्ध यानी चिकना, स्वादित स्वादित यानी स्वादिष्ट, अच्छा अच्छा लगने वाला, मित भोगी यानी काम खाने वाला। तो बहुत सारे इस तरह से इसमें अर्थ दिए हैं। कुछ इधर
दालों का नाम दिया हुआ है, जैसे अटकी यानी अरहर की दाल, मुदंगा, मूंग, इच्छू यानी ईख, उस मांड का सब्जियों का नाम है कुमड़ा, अलाबू यानी आलू, मूलिका यानी मूली, कदली फलम ये फल के नाम, केला, नवनीत यानी क्या, मक्खन जो दही से निकालते हैं मक्खन, और फिर मक्खन से घी बनता है ना, तो नवनीता मैंने मक्खन, तकरा मैंने मट्ठा, नवनीत निकालने के बाद जो दही में बचता है ना, बनाते हैं उसको मारते हैं, तो तकरा मैंने मट्ठा, दधी यानी दही, पी हमने पीने योग्य, तो इस तरह से बहुत श्रीफलम, तो श्रीफल यानी किसको बोलते हैं, श्रीफल देखना पूजा पाठ में उपयोग करते हैं, श्रीफल यानी नारियल है ना, नारियल के लिए श्रीफल बोलते हैं ना, कदली फलम यानी केला, आंवला का माने आंवला, अमरूदा यानी अमरूद, इसको जाम बोलते हैं आप लोग, बिही भी बोलते हैं कहीं कहीं है ना, उत्तम मैंने कहा गया है, च यानी और, तो इस तरह से शब्दार्थ दिए इसमें, इसको पढ़ने के बाद थोड़ा सा अर्थ को पाठ का समझने में, शब्दों को समझने में थोड़ा सा सहूलियत होगा, सरल होगा है ना, तो पाठ को देखते हैं। अस्मिन् संसारे सर्वे संसार पापिनः आहारं गृह्णन्ति, अस्मिन् संसारे माने इस संसार में, यहाँ में पर सप्तमी विभक्ति है ना, बाल के बालक रूप यादव का, तो सप्तमी विभक्ति है ना, संसारे यानी संसार में, अस्मिन् संसारे यानी इस संसार में, सर्वे प्राणिनः, सर्वे माने सभी, प्राणिनः माने जीव है ना, प्राणी, तो इस संसार में सभी प्राणी आहारम गृह्णन्ति, आहारम यह विभक्ति, आहार को बालकम है ना, तो आहार को गृह्णन्ति, बहुवचन है देखो तितान्ति है ना, तो बहुवचन है, गृह्णन्ति ग्रहण करना यानी ग्रहण करना यानी खाना एक तरह का है ना, ग्रहण करना, तो गृह्णन्ति यानी ग्रहण करना, तो अस्मिन् संसारे यानी हमारे इस संसार में सर्वे प्राणी ने हमारे सभी प्राणी आहारम गृह्णन्ति यानी आहार को ग्रहण करते हैं यानी भोग करते हैं यानी खाते हैं, इस संसार में सभी प्राणी या सभी जीव आहार को यानी भोजन को खाते हैं, ठीक है, जीवन रक्षार्थम यानी जीवन के रक्षा के लिए, जीवन रक्षार्थम यानी जीवन के रक्षा के लिए, आहारस्य षष्ठी विभक्ति बालकस्य आहार का है ना, तो जीवन रक्षार्थम जीवन के रक्षा के लिए या जीवन को बचाने के लिए, आहारस्य यानी आहार का अति आवश्यकता भवति, अति माने बहुत अधिक, आवश्यकता भवति भू यानी होना, भवति अन्य पुरुष एकवचन ना, भवति भवता भवन्ति, तो आवश्यकता भू यानी होता है ना, तो जीवन रक्षार्थम माने जीवन की रक्षा के लिए आहार का यानी भोजन का अति आवश्यकता होता है, जीवन जीने के लिए भोजन जरूरी है कि नहीं, खाएंगे नहीं तो कैसे जीवन चले, तो जीवन की रक्षा के लिए या जीवन को चलाने के लिए आहार का बड़ा ही महत्व है, आवश्यकता है, यहाँ पर आवश्यकता लिखा है, तो आवश्यकता होता है ना, ठीक है, मानवस्य आहार कीदृशः भवेत् इति विषये अस्माकं ऋषयः मुनयः वृद्धाश्च उपदिशन्ति यत् बालकालात् वृद्धावस्था पर्यन्तम् अस्माकं आहारः संतुलितः भवेत्। मानवस्य बालकस्य षष्ठी विभक्ति वचन, मानवस्य यानी मानव का आहार यानी भोजन की दिशा यानी किस प्रकार भवेत्, ये तेताम एहू, ये विधिलिंग का है अन्य पुरुष एक वचन है ना, ये तेताम एहू रूप चलता है इसका, तो भू का है, भू यानी होना, भवेत यानी होना चाहिए, जब विधिलिंग चाहिए जैसे शब्द का उपयोग करते हैं तो विधिलिंग जो धातु क्या बोलते हैं, धातु रूप है, तो धातु रूप में देखना विधिलिंग का है ना, तो विधिलिंग का उसमें ये तेताम एहू चलता है, तो उसका अन्य पुरुष एक वचन का है एक, तो होना चाहिए, तो मानवस्य यानी मानव का आहार यानी भोजन की दिशा यानी किस प्रकार या कैसा भवे यानी होना चाहिए, इति विषय माने इस विषय में अस्माकं, अस्मत् के रूप याद करोगे तो आता है ना अस्माकं, तो हमारा ना, काके रारे री, तो षष्ठी विभक्ति क्या है, बहुवचन अस्माकं अस्मद् है ना, तो अस्माकं ऋषि माने हमारे ऋषि और मुनि और वेदाश्च, यहाँ पर लिखा है कि वेदाश्च लिखा है, तो वेद से वेदाह, उसका अगर इसका संधि पीछे करते तो वेदाधन च, तो बहुवचन है, यहाँ पर ये जो आधा स दिख रहा है वो किसमें बदल जाएगा, विसर्ग में है ना, वेदाश्च, तो
यहाँ पर हो गया ऋषि, मुनि और वैद्य। वैद्य यानी डॉक्टर, ठीक है, जिसको आजकल हम लोग डॉक्टर बोलते हैं, पहले वैद्य बोलते थे ना, जो इलाज करते थे ना बीमारियों का। तो स्मारक हमारे ऋषि मुनि और वैद्य जो है उद्दिशंति यानी बताते हैं, उद्देश्य दिव्य यानी बताना, कहना तो कहते हैं, बताते हैं, यत यानी कि बाल काला, यहाँ देखो पंचमी विभक्ति लगा बाल का, देखना व्याकरण में जाओगे तो तृतीया विभक्ति में भी से है और पंचमी विभक्ति में भी से है, तो कहाँ पर तृतीया विभक्ति, जैसे मैं पेन से लिखता हूँ तो कर्मे कलमेन है ना, पेन को पकड़ कर, और यहाँ पर लिखा है कि बाल काला, तो बाल काल से, तो वहां पर देखो दोनों में तृतीया विभक्ति और पंचमी दोनों में से तो है, लेकिन उसका मीनिंग, उसका अर्थ ये है कि जैसे किसी चीज को पेन को पकड़ के लिखते हैं तो कलमेन वहां पर होगा, काम कलमेन लिखामी, मैं कलम से लिखता हूँ पेन से। और जैसे हम कभी वाक्य देखने कहीं पर कि वृक्षात पत्राणि पतन्ति, तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो जैसे वृक्ष से कोई पत्ता गिर गया जमीन में तो वापस वो पत्ता फिर पेड़ में लगता नहीं, ठीक है, तो वृक्ष से तो गिरते हैं, जैसे पेन से लिखता हूँ और वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वहां पर देखो दोनों में से तो है, लेकिन अंतर ये है कि जब यहाँ पर पंचमी विभक्ति के जब से का उपयोग करते हैं, तो वहां पर मतलब ये होता है कि वह जो है उस चीज से बिछड़ जाता है, जब कारक चिन्ह याद करोगे तो वहां पर से बिछड़ने पर आता है, तो जैसे बाल काला मतलब जब कोई आदमी बाल्य अवस्था को पार कर लेता है, यौवन अवस्था में आ जाता है या फिर वृद्धावस्था में आता है, तो वापस फिर वो बाल्य अवस्था में पुनः जा नहीं पाता, यानी बिछड़ जाता है, ठीक है, वापस उस चीज में वह नहीं जा पाता, यानी बिछड़ जाता है। तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ इसलिए कि बाल काला माने बाल काल से, ना बाल काल बीत गया, तो बाल काल से वृद्धावस्था पर्यंतम, और वृद्धावस्था यानी बुजुर्ग है ना, तो वृद्धावस्था पर्यंतम माने तक, बाल काल से बाल अवस्था से वृद्धावस्था तक, पर्यंतम माने वहां तक है ना, पर्यंतम अस्माकम हमारा भोजन संतुलित भवेत, हमारा जो भोजन है वो कैसा होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। संतुलित होने का मतलब क्या, सभी प्रकार का उसमें विटामिन जो हमारे शरीर को जरूरत है, विटामिन प्रोटीन है ना, तो कैल्शियम जो भी कुछ है, तो सारा कुछ उसमें होना चाहिए, कोई असंतुलित ना हो, ऐसा नहीं कि बस एक दिन बस मीठा खा जा रहा है, नमक कोई उसमें नाम नहीं, सब्जी कुछ खा नहीं रहा, सिर्फ मीठा मीठा खा रहे हैं, तो क्या उसका शरीर तंदुरुस्त रहेगा, स्वस्थ रहेगा, बिल्कुल नहीं। हमारे शरीर को सभी विटामिन प्रोटीन की आवश्यकता है, तो हमारे भोजन में सभी प्रकार के आहार का समावेश होना चाहिए, उसमें हरा भाजी होना चाहिए, फल होने चाहिए, अनाज होने चाहिए, ना दूध होना चाहिए, तो इत्यादि के लिए हमारा भोजन जो है संतुलित होना चाहिए। तो उसी तरह की हमारा भोजन जो है संतुलित का मतलब वही है कि जिसमें सारा कुछ जितना जरूरत है उतना होना चाहिए, ठीक है। तो इस देखो ऊपर कि मानस आहार की दिशा भवे, मनुष्य का आहार किस प्रकार होना चाहिए, इति विषय, इस विषय में, यहाँ पे विषय बाल के सप्तमी विभक्ति, ठीक है, में, तो इस विषय में मानवस्य आहार माने मानव का आहार किस प्रकार, इसका भोजन किस प्रकार होना चाहिए, इस विषय में अस्माकं ऋषि मुनि वैद्यश्च, हमारे ऋषि मुनि और वैद्य जो है उपदिशन्ति यानी कहते हैं या बताते हैं, यानी कि क्या बताते हैं कि बाल कालात वृद्धावस्था पर्यंतम, मतलब बाल काल से बचपन से वृद्धावस्था तक अस्माकम आहार, हमारा भोजन संतुलित होना चाहिए। हमारे जो ऋषि मुनि और डॉक्टर हैं वो बताते हैं कि हमारा भोजन बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक संतुलित होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ दिन संतुलन पालन किए कि चलो खा लेते हैं उसके बाद में छोड़ दें, ऐसा नहीं, बचपन से तब स्वस्थ रहेगा शरीर। तो बचपन से ही ध्यान रखें कि बचपन से वृद्धावस्था तक हमारा भोजन कैसा होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। सद्य प्रसूता शिशु मातु दुग्ध मेव पीबति, तो सद्य प्रसूता मतलब तुरंत जन्मा हुआ ना, तुरंत पैदा हुआ बच्चा जो है, सद्य प्रसूता शिशु मातु दुग्ध मेव पीबति, दुग्धमेव, यहाँ पर देखो संधि विच्छेद यदि करोगे दुग्धमेव तो दुग्धम धन एव, दुग्धम दूध को ही ना, द्वितीय विभक्ति और ही, तो कहता है कि तुरंत जन्मा हुआ बच्चा भी माँ के दूध को ही पीबती, यानी देखो यहाँ पर अन्य पुरुष एक वचन है ना, पी यानी पानी पीना, तो उसका पीबती यानी पीता है,
कहता है कि सत्य प्रसूता माने तुरंत पैदा हुआ बच्चा भी माँ के दूध को ही पिता, देखो इसमें फोटो में पिता हुआ बच्चा दिख रहा है, तो कोई बड़ी बच्ची है थोड़ी, है ना, लेकिन यहाँ पर कहता है सत्य प्रसूता मतलब तुरंत पैदा हुआ, है ना, तुरंत पैदा हुआ बच्चा जो है माता दुग्ध में हो माने माँ के दूध को ही पीता है, उसको पता है कि माँ का दूध पीने में ही पौष्टिक है ना, ठीक है, इसलिए तुरंत पैदा हुआ बच्चा भी माँ के दूध को ही पीता है। मातु दुग्धम पौष्टिकम भवति, मातु दुग्ध माने माता का दूध पौष्टिकम भवति, पौष्टिक माने क्या होता है, बल देने वाला, है ना, तो पौष्टिक पौष्टिक आहार सब समझते हो ना, पौष्टिक आहार माने पुष्टि करने वाला यानी शरीर को अच्छा बनाने वाला, है ना, बल प्रदान करने वाला, ऊर्जा देने वाला, जो भी हो तो शरीर को पुष्ट करना है, मजबूत करना है ना, तो पौष्टिकम भवति यानी पौष्टिक होता है, तो माँ का दूध है ना, जैसे देखना बहुत लोग क्या बोलते हैं माँ का दूध पिलाने से परहेज करते हैं, लेकिन ये गलत है ना, छोटे बच्चे को हमेशा माँ का ही दूध पिलाना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा होता है, बाहर का दूध पिलाने के बजाय माँ का दूध पीना सबसे अच्छा होता है, हमारे डॉक्टर भी बताते हैं, ठीक है, कि माँ का दूध बच्चे के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है, तो मातु दुग्धम माने माँ का दूध पौष्टिकम भवति माने पौष्टिक होता है। पौष्टिक आहारेण शिशुवा संवर्धन्ते, पौष्टिक आहार से, यहाँ पर देखो तृतीया विभक्ति लगा से, है ना, तो आहार से माने आहार को खाते रहते हैं, इसलिए पौष्टिक आहार ही माने पौष्टिक आहार से शिशुवा, शिशु यानी बच्चा, तो शिशुवा संवर्धन्ते माने बढ़ता है, पौष्टिक आहार से बच्चा जो है बढ़ता है, बड़ा होता है या प्रगति करता है ना, बढ़ता है शरीर उसका, ठीक है, तो पौष्टिक आहार माने पौष्टिक आहार से बच्चा शिशु माने बच्चा संवर्धन्ते यानी बढ़ते हैं, पौष्टिक आहार से बच्चे बढ़ते हैं, ऊर्जा वाला भोजन हो, संतुलित भोजन हो, तो पौष्टिक आहार हो, है ना, बच्चे जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, कहने का मतलब जैसे देखना तुम लोग कभी जैसे कुपोषण कभी सुने होंगे, है ना, एकदम पतले दुबले किसी का एकदम पेट निकला रहता है और बाकी हाथ पर एकदम पतले रहते हैं, अब तो उतना ज्यादा नहीं है, पहले आता था, है ना, सुखा रोग क्या क्या बोलते हैं थे, तो किसी का मुंडी एकदम बड़ा है, पैर और हाथ पैर एकदम पतला पतला है, तो वहां पर पौष्टिक आहार उनको नहीं मिलता है, इसीलिए कुपोषित हो जाते हैं, कुपोषित समझते हैं ना, उसी तरह जिसका शरीर जो है अंग पूरी तरह से विकसित ना हो, उसको क्या बोलते हैं कुपोषित, मतलब उसको क्या है कि पूरी तरह से आहार, जो पौष्टिक आहार होना चाहिए, संतुलित भोजन होना चाहिए, वह नहीं मिल पा रहा है, इसी वजह से जो है वो कुपोषित हो जाते हैं, तो पौष्टिक आहार शिशुवा संवर्धित, तो यदि पौष्टिक आहार मिलेगा बच्चों को, संतुलित भोजन करेंगे, सभी प्रकार के फल को खाएंगे, सब्जियों खाएंगे, तो बिल्कुल उनका विकास होगा, तो पौष्टिक आहार है मानी पौष्टिक आहार से बच्चे बढ़ते हैं, ठीक है। सर्वजनेभ्य आहारे पौष्टिक फलानां महती आवश्यकता वर्तते, अन्यथा ते दुर्बला अशक्ताश्च भविष्यन्ति, ठीक है, सर्वे जन क्या है, सर्वे सर्वजनेभ्य, तो चतुर्थी विभक्ति यहाँ पर लिखा है, देखो बहुजनेभ्य ना, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है, तो सर्वजनेभ्य आहारे पौष्टिकं फलानां महती आवश्यकता वर्तते, सभी लोगों के लिए, सभी लोगों के आहार ना, सभी लोगों का जो आहार है, जो भोजन है पौष्टिक फलानाम, उन आहार में फलों का जो पौष्टिक फल है ना, सभी लोगों का जो आहार है यानी भोजन है, उसमें पौष्टिक फलों का बड़ी महत्व है, बहुत ही महत्व है, महती आवश्यकता, बहुत महती आवश्यकता यानी बहुत अधिक, है ना, महती यानी बहुत अधिक, तो आवश्यकता यानी जो सभी लोगों का जो भोजन है उसमें, कहने का मतलब जो फल है उनकी बड़ी आवश्यकता है, उनका महत्व है ना, तो जो भोजन होना चाहिए सभी लोगों का, उसमें फलों का कुल मिला के वाक्य का अर्थ है कि सभी के भोजन में फलों का बड़ा ही महत्व है ना, यहाँ पर कहता है कि अगर सब सब शाब्दिक अर्थ लिया जाए तो सभी के भोजन में, सभी के आहार में पौष्टिक फलों का बहुत ही आवश्यकता होता है, ठीक है, अन्यथा, अन्यथा मतलब क्या, कहने का मतलब यदि भोजन ना ले हो, पौष्टिक भोजन ना ले, संतुलित भोजन ना ले, तब अन्यथा ते दुर्लभा दुर्बला, तो क्या हो जाएगा, ते दुर्बल, दुर्बल यानी क्या होता है, दुर्धन बल, संधि विच्छेद किसका करोगे, दुर्बला, है ना, दुर्बल, दुर्बल मतलब क्या होता है, दुर्बल यानी कमजोर, बल यानी ताकत, दुर्बल यानी दुर्धन बल माने बिना बल का, ठीक है, तो जिसके पास बल नहीं है, चल भी नहीं सकता, है ना, ताकत नहीं है उसके पास, तो उसी कहता है कि दुर्बला, तो
तो अन्यथा ते दुर्बला, अन्यथा ते दुर्बला असक्ताश्च भविष्यन्ति। तो यदि जो फलों का ग्रहण नहीं करेंगे, पौष्टिक भोजन नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा, वे ते यानी वे दुर्बल, और दुर्बल यानी बिना बल का, और अशक्ति यानी शक्तिहीन हो जाएंगे। जो फलों को ग्रहण नहीं करेंगे, फल नहीं खाएंगे, संतुलित भोजन नहीं करेंगे, वे दुर्बल और शक्तिहीन हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसमें यहाँ पर कुछ फोटो दिख रहा होगा, इसमें देखो कि हमारे जो भोजन है उस भोजन में क्या क्या लगभग होना चाहिए। तो दाल होना चाहिए, है ना, और दाल होना चाहिए, फल होना चाहिए, दूध होना चाहिए, दही होना चाहिए, घी होना चाहिए, है ना। तो सब हमारे संतुलित भोजन के ये सब हैं, अवयव हैं, तो ये सब होना चाहिए हमारे भोजन में। तो सबको फलों को ग्रहण करना चाहिए, दूध दही खाना चाहिए, अनाज खाना चाहिए, है ना। तो देखो आगे, अस्माकम् आहारा उष्णम् स्निग्ध स्वादयुक्त च भवे। हमारा भोजन, अस्माकम् आहारा यानी हमारा भोजन उष्णम यानी क्या, गर्म होना चाहिए, ताजा होना चाहिए। गर्म का मतलब ताजा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बार बार एक बार पका लिए उसको बार बार गर्म कर रहे हैं, तो उससे भी विटामिन खराब हो जाता है ना। बार बार गर्म भोजन करना नहीं चाहिए, वो अच्छा नहीं रहता। ठीक है, तो एक बार पकाना चाहिए, पकाने के लगभग घंटे भर में खा लेना चाहिए, ऐसा कहते हैं हमारे ऋषि। ठीक है, तो अस्माकम् आहारा उष्णम माने हमारा भोजन जो है गर्म होना चाहिए, ताजा होना चाहिए, स्निग्ध है चिकना होना चाहिए, और स्वादयुक्त च भवेत, और स्वादयुक्त होना चाहिए। स्वादयुक्त मतलब जो अच्छा लगे, देखो खाना खाते समय मन प्रसन्न रहना चाहिए, तब ठीक है, वो हमारे शरीर के अच्छा करता है। तुम बिना मन के किसी चीज को खा रहे हो जबरदस्ती का, तो तुम्हारे शरीर में वो फायदा देने वाला नहीं है। ठीक है, तो जो भी भोजन है तो तुम्हारे मन के मुताबिक होना चाहिए, तब अच्छा लगता है। ठीक है, वह हमारे शरीर को लाभ देगा, और बिना मन के तुम कुछ भी खाए जा रहे हो तो वह तुम्हारे शरीर को लाभ देने वाला कम है। ठीक है, तो खाना खाते समय एक तो ध्यान रखना चाहिए खाना में, और स्वादिष्ट मतलब स्वाद देके खाना चाहिए। तो अस्माकम् आहारा हमारा जो भोजन है वह गर्म होना चाहिए, है ना, ताजा होना चाहिए, स्निग्ध यानी चिकना होना चाहिए, और स्वादिष्ट स्वादिष्ट होना चाहिए, अभिधान्य होना चाहिए, है ना। मानवा मित भोगी भवेत अन्यथा अरिणम भविष्यति। मानवा मित्त भोगी, देखो मित्त भोगी यहाँ पर लिखा है, मित्त भोगी कहने मित्त व्ययी, सुने हो सब, मित्त व्ययी यानी क्या, कम खर्चीला। ठीक है, मित्त व्ययी यानी क्या होता है, कम खर्चीला, कम खर्च करने वाला। तो यहाँ पर लिखा है मित्त भोगी, भोग करना यानी उपयोग करना खाना। ठीक है, तो मित्त भोगी यानी मित्त यानी थोड़ा सा खाना, कम खाना, मित्त भोगी यानी कम खाना। तो मानवा मित्त भोगी भवे, मनुष्य जो है मित्त भोगी होना चाहिए, मतलब कम खाना खाना चाहिए। मानव यानी मनुष्य को यानी हम सबको, है ना, कैसा खाना चाहिए, कम खाना चाहिए, एकदम ठूस ठूस के खा लिए खूब पेट फूल रहा है इस टाइप का नहीं। ठीक है, थोड़ा सा पेट में जगह रखना चाहिए, एकदम भर पेट से थोड़ा सा जगह हो, है ना, थोड़ा सा खाली होना चाहिए। तो कहते हैं मानवा मित्त भोगी भवे, मनुष्य को कम खाना खाने वाला होना चाहिए, अन्यथा नहीं तो क्या होगा, आगे की अजीर्णम भविष्यति। अजीर्णम, अजीर्णम भविष्यति, अजीर्ण माने क्या होता है, अपच, जो पचता नहीं है, फिर खट्टी टकार आएगा, उल्टी होगा, पेट दर्द करेगा, गैस बनेगा, है ना, तो अजीर्ण हो जाएगा, उसको बोलते हैं अपच, हो गया नहीं पच रहा, बहुत सारा खा लोगे तो क्या होगा, पचेगा नहीं, तो अजीर्ण हो जाएगा। तो कह रहा है इसलिए कि मनुष्य को मित भोगी भवे, मतलब मनुष्य को कम खाना खाने वाला होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, अपच हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कम खाना खाना चाहिए। वैद्या कथयन्ति अजीर्णमन्नम रोगस्य कारणम अस्ति। वैद्य माने कोई डॉक्टर, है ना, क्या कहते हैं, कथयन्ति यानी कहते हैं अजीर्णमन्नम, अजीर्णम अन्नम, देखो यहाँ पर अजीर्णमन्नम लिखा है, तो इसका संधि विच्छेद यदि करोगे तो अजीर्णम अन्नम माने अजीर्ण वाला अन्न, अन्न यानी अनाज भोजन, है ना, अन्न यानी अनाज, अनाज में क्या, चावल दाल ये सब आते हैं ना, अनाज के देखो वहां पर फोटो दिख रहा है, शुरू वाले पिक्चर में दिख रहा है फोटो में, है ना। तो वैद्या कथयंती माने जो वैद्य हैं, जो डॉक्टर हैं, वह कहते हैं, कथयंती यहाँ बहुवचन, बहुत सारे डॉक्टर लोग हैं, वैद्या या बहुवचन यहाँ पर दिख रहा होगा, तो वैद्या ने बहुत सारे, है ना, और कथयंती अगर एक रहता तो कथयती रहता एक वचन, कथयंती बहुवचन है अन्य पुरुष, है ना। तो वैद्या यानी बहुत सारे वैद्य जो है, कथयंती यानी कहते हैं, क्या कहते हैं कि अजीर्णम अन्नम,
अजीर्ण जो अपच वाला भोजन, रोगस्य कारणम अस्ति, कारणम अस्ति, यहाँ पर कारणम अस्ति लिखा है तो कारणम धन अस्ति है ना, अस्ति यानी है कारणम। तो कहता है कि वैद्य जो है, जो डॉक्टर है, वो कहते हैं कि अजीर्णम अन्नम, जो अपच वाला भोजन है, जो पचा नहीं है, पेट में चला गया लेकिन पचा नहीं है, रोगस्य है ना, रोग का, बालकस्य है ना, स्त्री व्यक्ति, तो रोगस्य यानी रोग का कारण होता है या कारण है। जो खाना नहीं पचता है वही खाना जो है हमारे रोग का मुख्य कारण है। खाना यदि नहीं पचा मतलब वो पेट में, पेट में कुछ ना कुछ गड़बड़ी करेगा और रोग बनाएगा, बीमारी बनाएगा, ठीक है। तो वैद्यार्थ कहते हैं, यानी डॉक्टर लोग कहते हैं कि अजीर्णम अन्नम, जो अपच भोजन है, जो पचा नहीं भोजन है पेट में है, वह जो है रोग का कारण है। प्रसन्न चित्ते स्वच्छ स्थाने संयमे उपविश्य नात्यधिकम नातिद्रुतम आहारम कुर्या। तो प्रसन्न चित्ते मतलब प्रसन्न चित्त से, प्रसन्न चित्त यानी मन, प्रसन्न चित्त यानी खुश होकर, प्रसन्न मुद्रा में मतलब खुश होकर है ना, खुश होकर खाना खाना चाहिए। कैसा खाना खाना चाहिए उसके बारे में बता रहा है, किस तरह से भोजन करना चाहिए। तो प्रसन्न चित्त मतलब खुश होकर, ठीक है। स्वच्छ स्थाने कैसे स्थान में, साफ सुथरा स्थान में, जहाँ पर खा रहे हो कम से कम साफ कर लो, मम्मी जी साफ करिए तो अपने से कर लो है ना, तो अपने साफ कर लो। और स्वच्छ स्थान मतलब साफ सुथरा क्यों, क्योंकि यदि हमारे आसपास गंदगी रहेगा तो हो सकता है कीटाणु हमारे भोजन में आ जाए आसपास का, इसलिए जहाँ पर हम भोजन करें वह स्थान जो है स्वच्छ होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब भोजन कहाँ हम लेके जाते हैं, मुँह से सीधे कहाँ चला जाता है, पेट में, और यदि वहां पर गंदगी है तो वह कीटाणु रोगाणु भी कहाँ चले जाएंगे, हमारे पेट में, पेट में जाके फिर क्या करेंगे, समझ लो है ना। इसलिए हमारा जो भोजन का स्थान है वह साफ सुथरा होना चाहिए। तो कहता है कि प्रसन्न चित्ते यानी प्रसन्न मन से, यानी खुश होकर, और स्वच्छ स्थान में, स्वच्छ स्थान में संयमे, संयम से, संयम से शांतिपूर्वक या नियम से है ना, उपविश्य, उपविश्य में बैठ कर, पालथी मारकर बैठना चाहिए, खड़े खड़े खाना खाना अच्छा नहीं होता, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है, ठीक है। तो बैठ कर, उपविश्य यानी बैठ कर, यहाँ पर लिखा है नात्यधिकम, तो इसका संधि विच्छेद करोगे तो न धन अति धन अधिकम, न अति अधिकम, ठीक है ना। यहाँ पर यण स्वर संधि आएगा, ई के बाद वो आ गया है ना, न अति अधिकम, तो यहाँ संधि विच्छेद कर दो, ना अति अधिकम, तो ना अधिक धीरे से है ना, ना अति अधिकम मतलब एकदम धीरे गति से, मतलब जैसे खाना खा रहे हैं तो वो देखना एकदम धीरे 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 खा रहे हैं, घंटों बैठे हैं, वो भी खाना खाने का तरीका गलत है। ना अति द्रुतम, और यहाँ इधर करोगे तो ना अति द्रुतम, द्रुत गति बोलते हैं, द्रुत गति यानी तीव्र गति से, तेजी से है ना, तो ना अति द्रुतम माने ना ही तेज गति से। तो कहने का मतलब ये है कि ना तो भोजन को एकदम एकदम ज्यादा धीरे खाना, और ना ही एकदम जल्दी जल्दी खाना, जैसे एक दो बार मुंह में डाले और गट से पेट में डाले बिना चबाए। तो भोजन को चबा कर खाना चाहिए, तो एकदम तेज गति से भी नहीं खाना चाहिए और एकदम धीरे से भी नहीं खाना चाहिए। खा रहे तुम्हारा खाना एकदम पूरा ठंडा हो जा रहा है। तो खाने के तरीका के बारे में बता रहा है इसमें कि किस तरह भोजन करना चाहिए। तो प्रसन्न चित्तेन यानी प्रसन्न मुद्रा में यानी खुश होकर, स्वच्छ स्थान है मैंने साफ सुथरा स्थान में नियमित बैठकर, माने सिस्टम से बैठकर, बढ़िया उपविश्य यानी बैठकर, न अत्यधिक माने बहुत ही धीरे गति से नहीं, न अति द्रुतम ना ही एकदम तेज गति से आहारम कुर्यात, भोजन को करना चाहिए। तो कह रहा है कि प्रसन्न चित्त मन प्रसन्न होकर, साफ साफ स्थान में बैठकर और मध्यम गति से खाना चाहिए, ना तो अधिक तेज गति से ना तो अधिक धीरे से, आहारम कुर्यात माने करना चाहिए, भोजन को कुर्यात यानी करना चाहिए। असम आगे देखते हैं, चड़क तंडुला गोधुमा द्विदलम यव आडकी मुद्गा मासा इत्यादि अन्नादि सन। अब इसमें अन्न कौन कौन से हैं, देखो यहाँ पर बताया कि चड़का, चड़का यानी क्या, चना है ना, चड़का यानी चना, तंडुला यानी चावल, गोधुमा यानी गेहूं, द्विदल यानी दाल, द्विदल द्विदल सुनते हुए कभी कभी तो समझ में आता नहीं क्या है, तो द्विदल यानी इसमें जैसे दाल को द्विदल उसमें होता है, जैसे दाल को जब फोड़ते हैं तो उसमें दो टुकड़ा हो जाता है ना बीच से, तो द्विदल उसमें होता है ना, तो द्विदल यानी दाल। और यवा यानी जौ, आटकी, आटकी यानी क्या,
अरहर की दाल जो है, अरहर है ना, अरहर मुग्गा यानी मूंग, मासा यानी उड़द, तो कह रहा है कि चना, चावल, गेहूं, दाल, जौ, अरहर और क्या बोलते हैं, मूंग, उड़द इत्यादि, नहीं यहाँ पर इत्यादि नहीं लिखा, तो इत्यादि जैसे हम लोग बोलते हैं ना इत्यादि, राम लक्ष्मण मोहन इत्यादि है ना, तो इत्यादि का संधि पीछे जब करो इति धन आदि है ना, यट संधि यहाँ भी है, तो इत्यादिनी यानी इति आदिनी, तो इत्यादिनी अन्नानी संति, अन्नानी बहुवचन है ना, अन्न से अन्नानी, तो क्या है बहुवचन है, संति यानी है, कौन कौन से अन्न में आते हैं, इस तरह से एग्जाम्पल दिया है और भी उदाहरण दिया है, ये बहुत सारे और अन्न है लेकिन मुख्य रूप से जिसको हम लोग जानते हैं सामान्यतः, तो उसमें क्या क्या है, चना है, चावल है, गेहूं है, दाल है, जौ है, अरहर है, मूंग है और उड़द इत्यादि अन्न है, अनाज है, ठीक है, इनको अनाज कहते हैं, तो ये सब अन्न में आते हैं, अनाज में आते हैं, तो ये सब अनाज है। कुष्मांड का कर्कटी, अलाबु, मूलिका, आम्रम, इच्छु, कदली फलम इत्यादि शाक फलानि सन्ति। अब देखो यहाँ पर कुछ सब्जी और फलों के बारे में बताया है, जैसे अन्न के बारे में बताया, उसके बाद नीचे तरफ सब्जी और फलों के बारे में बता रहा, तो क्या क्या, कुष्मांड का, कुष्मांड यानी कुमड़ा जिसको बोलते हैं ना, कुमड़ा बोलते हैं ना, तो कुमड़ा, और कर्कटी यानी करेला, अलाबू यानी आलू, मूलिका यानी मूली, तो ये क्या हो गए सब्जी हो गए, आम्रम यानी आम, इच्छु यानी ईख, ईख यानी गन्ना है ना, गन्ना ईख, तो कदली फलम यानी क्या, केला इत्यादि, साग फलानी, तो ये इत्यादि जो है साग यानी सब्जी और फल है, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कुष्मांडा यानी कुमड़ा, करेला, आलू, मूली, आम, क्या ईख और केला, ये सब इत्यादि जो है सब्जी और फल है। नवनीतम, दुग्धम, धृतम, तक्रम, दधि इत्यादिकम पेयम अस्ति। उसके बाद यहाँ पर कुछ पेय पदार्थों के बारे में बता रहा है, तो क्या क्या से, नवनीतम, नवनीत यानी क्या, मक्खन, दुग्धम यानी दूध, घृतम यानी घी, तक्रम यानी मट्ठा, दधि यानी दही इत्यादि का माने इत्यादि जो है क्या है, पेयम अस्ति, ये पीने योग्य, पेयम अस्ति यानी पेय पदार्थ है, पीने योग्य है, देखो पीना चाहिए, ठीक है, तो अपने भोजन में देखो क्या क्या शामिल करना चाहिए, तो आपको संतुलित आहार के बारे में बता रहा है, भोजन के बारे में बता रहा है, तो सारा कुछ बता रहा है, क्या क्या चीज हमारे भोजन में होना चाहिए जो हमको पौष्टिक देते हैं, बल देते हैं ना, पुष्ट करने वाले जो भोजन है, हमारे शरीर को ऊर्जा देने वाले जो भोजन है, शरीर को अच्छा करने वाले जो भोजन है, उसके बारे में बता रहा है कि हमारे भोजन में क्या क्या चीज होना चाहिए, तो फलों के बारे में बता दिया, अनाज के बारे में बता दिए, सब्जी के बारे में बता दिए, अब यहाँ पे तो बता रहे कि हमारे भोजन में और क्या होना चाहिए, तो नवनीतम होना चाहिए, मक्खन होना चाहिए, दूध होना चाहिए, घी होना चाहिए, मट्ठा होना चाहिए, दही भी होना चाहिए, सब पेय इत्यादि का पेय मस्ती, पेय पदार्थ ये भी होना चाहिए, ठीक है, पेय पदार्थ है। एते सर्वे शाकाहारी मानवाना आहारा, एते सर्वे माने ये जो सभी जो दिया हुआ है अभी, जितने बारे में हमने जितना जो जिक्र किए, जिसके बारे में बताया है इसमें, एते सर्वे ये सभी जो है शाकाहारी मानवाना आहारा, यहाँ पर देखो षष्ठी विभक्ति का बहुवचन मानवाना है ना, बालक से बालकाना वाला जो है, तो बहुवचन मानवाना मानव के लिए है ना, तो ये सब जो है शाकाहारी मनुष्यों का भोजन, ठीक है, यहाँ पर जितना भी वर्णन हुआ जितने खाद्य पदार्थों का भोजन के बारे में, तो यह सब कह रहा है कि ये सर्वे माने ये सभी जो है शाकाहारी मनुष्य के आहार है, शाकाहारी यानी समझते हो ना, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी यानी जो सब्जी खाते हैं है ना, मांसाहारी जो मांस भी खाते हैं, और सर्वाहारी यानी जो मांस और सब्जी दोनों खाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर शाकाहारी मानवा नाम आहार, तो ये सभी जो है शाकाहारी मनुष्य का आहार है। बाला नाम कृते दुग्धम अमृतम कथ्यते, बाला नाम कृते माने बच्चों के लिए, दुग्धम अमृतम कथ्यते माने बच्चों के लिए, दुग्धम को यानी दूध को अमृतम कथ्यते, बच्चों के लिए दूध कैसा है, कैसा माना जाता है, दूध अमृत के समान यानी जो अमृत है उसी के समान दूध को माना जाता है, किसके लिए, बच्चों के लिए, ऐसे सबके लिए है लेकिन बच्चों के लिए विशेष तौर से उनको दूध पीना ही चाहिए है ना, तो बालानां कृते दुग्धम अमृतम कथ्यते, बच्चों के लिए दुग्धम यानी दूध को अमृत माना गया है, अमृत कहा गया, कथन है कहा गया है ना, तो
बच्चों के लिए ये दूध जो है अमृत के समान कहा गया है। घृतम तु बालवर्धकम, तो घृतम और घी जो है क्या है, बालवर्धकम माने घी जो है बाल को बढ़ाने वाला होता है। घृतम तु बालवर्धकम, घी जो है बाल को बढ़ाता है या बल वर्धक होता है। घी जो है घृतम यानी घी, तो घी जो है बालवर्धकम होता है। मधु रक्त शोधनम करोति, मधु यानी क्या होता है, मधुरस, मधु यानी मधुरस है ना, मधुरस समझते होगे। तो मधु रक्त शोधनम को, तो रक्त शोधन करना, रक्त शोधन करना माने छानना है ना, छानना, छानना मतलब साफ करना उसको। तो मधु जो है रक्त का शोधन करता है, करोति है ना, तो मधु जो है मधुरस है वह रक्त को साफ करता है। जो हमारे रक्त में यानी खून में कुछ अगर गड़बड़ी आ जाए, कुछ गंदगी आ जाए, तो वह मधु खाने से, मधुरस खाने से वह हमारे खून को साफ करता है। असल में तो मधु रक्त शोधन पर होती है, जो मधुरस है वह जो है रक्त का शोधन करता है, कहने का मतलब रक्त को साफ करता है, ठीक है। इसलिए मधुरस भी खाना चाहिए। श्रीफलम आमलक अमरुद स्वास्थ्यम रक्षन्ति। तो क्या कहता है, श्रीफलम, श्रीफल यानी नारियल, आमलका यानी आंवला है ना, तो श्रीफल नारियल आंवला अमरूद स्वास्थ्यम रक्षन्ति, स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं है ना, हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, हमारा शरीर स्वस्थ रहे। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, श्रीफल खाना चाहिए यानी नारियल खाना चाहिए, आंवला खाना चाहिए, सबसे अच्छा आंवला होता है ना, उसमें बहुत सारे विटामिन प्रोटीन रहते हैं, तो आंवला सबसे अच्छा होता है। तो श्रीफल नारियल खाना चाहिए, आंवला खाना चाहिए, अमरूद खाना चाहिए, क्या करते हैं लोग, स्वास्थ्य रक्षन्ति, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं ना, रक्षन्ति कर रहा है, रक्षा करते हैं, तो स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। तो कहने का मतलब आपको नारियल आंवला और अमरूद जो है खाना चाहिए, क्यों, क्योंकि श्री फलम आमलका अमरूदा स्वास्थ्य रक्षन्ति, ये जो नारियल आंवला और अमरूद है वह हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। उधर शोधनम बलवर्धनम चक्रवर्ती, और स्वास्थ्य की रक्षा तो करते ही हैं, साथ में उदर शोधनम माने उदर यानी क्या होता है, पेट, उदर यानी पेट, तो लंबोदर, जैसे गणेश जी को बोलते हैं कि लंबोदर, लंबोदर माने क्या, लंबा उदर जिसका है ना, लंबा यानी बड़ा सा पेट जिसका, इस गणेश जी का देखोगे फोटो बड़ा सा उनका पेट दिखाता है ना, तो उदर यानी क्या होता है, उसी लंबोदर का मतलब वही लंबा उदर यानी बड़ा पेट, तो उदर का मतलब क्या होता है, पेट। तो उदर शोधना माने उदर को शोधन करता है, पेट को भी साफ करता है ना, उदर शोधना माने पेट को भी साफ करता है। और क्या करता है, बल वर्धना यानी बल को बढ़ाता है, क्योंकि आप नारियल आंवला अमरूद खाएंगे वह स्वास्थ्य की रक्षा करता है, साथ में पेट को साफ करता है और बल बढ़ाने वाला होता है, यानी बल देने वाला होता है, ठीक है। उत्तंच आहार शास्त्रे शाकाहारी मनुष्य दीर्घायु भवति, इसीलिए आहार शास्त्र में, आहार शास्त्र में भोजन जो शास्त्र बना है ना, हमारे ऋषि मुनि लोग या पुराने लोग जो बना के गए हैं आहार शास्त्र में, इसमें बहुत सारे शास्त्र हैं है ना, तो शास्त्रों में एक आहार शास्त्र है, तो आहार शास्त्र में कहा गया है, क्या कहा गया है, उत्तंच माने कहा गया है, आहार शास्त्र में यानी आहार जो पुस्तक है, जो भी आहार शास्त्र है, उसमें कहा गया है कि शाकाहारी मनुष्य दीर्घायु भवति, जो शाकाहारी मनुष्य है वह दीर्घायु, दीर्घधन आयु, दीर्घ दीर्घ माने बड़ा, आयु उम्र है ना, दीर्घायु माने जिसका लंबा उम्र, दीर्घायु भव होते हैं ना, दीर्घायु भव आशीर्वाद देते हैं, कहने का मतलब क्या है कि लंबा जीवन हो तुम्हारा, लंबा जीवन जियो है ना, तुम्हारा उम्र लंबा हो, बढ़ जाए है ना। तो इस तरह से कहता है कि उक्त आहार शास्त्र माने आहार शास्त्र में कहा गया है कि शाकाहारी मनुष्य दीर्घायु भवति, शाकाहारी मनुष्य मतलब शाकाहारी जो भोजन करता है उसकी लंबी आयु होती है ना, वह लंबे समय तक जीवित रहता है, ठीक है। तो इस तरह से इस पाठ में हम लोग पढ़े और अपने आहार के बारे में जाने। इस पाठ में कुछ प्रश्न दिए हैं है ना, इस पाठ के प्रश्न है उसको बनाना, जैसे मैंने इसमें कुछ बनाया है कि अस्माकं आहारः कीदृशी भवेत्, मतलब हमारा जो आहार है वह किस प्रकार होना चाहिए, अस्माकं आहारः कैसा होना चाहिए, हमारा भोजन कैसा होना चाहिए, अस्माकं आहारः उष्णं स्निग्धः स्वादितं च भवेत्, हमारा आहार कैसा होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, ताजा होना चाहिए, चिकना होना चाहिए और स्वादित होना चाहिए है ना, स्वादिष्ट भोजन, गर्म भोजन होना चाहिए, हाँ जितना होना चाहिए, तो अस्माकं आहारः उष्णं स्निग्धः स्वादितं च भवेत्। रोगस्य किं कारणमस्ति, रोग का क्या कारण है, तो
इससे रोग उत्पन्न होते हैं? बताओ। तो अजीर्ण मानना जो अपच भोजन है वही जो है रोग का कारण है। तो अजीर्ण मानना रोगस्य कारणम अस्ति, तो अजीर्ण अन्न जो है वही जो है रोग का कारण है। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल है कि क्या मनुष्य दीर्घायु भवति, कौन मनुष्य जो है दीर्घायु होता है? तो शाकाहारी मनुष्य है। कैसा मनुष्य है? शाकाहारी मनुष्य दीर्घायु भवति। ठीक है, अब यहाँ पर देखो संधि विच्छेद कुछ दिया है कि वेद्या वेदाश्च, वेद्याधन च वेदाश्च, मातु दुग्धम, मातु दुग्धम ने क्या, तो मातु धन दुग्धम, फलादि नाम फल धन आदि नाम, फल धन आदि नाम, असक्ताश्च असक्ताधन च नात्यधिकम न अति अधिकम, न अति अधिकम, नाति द्रुतम न अति द्रुतम, इत्यादिनी इति धन आदिनी, इत्यादिकम इति धन आदिकम, उत्तम च उत्तम धन च दीर्घायु दीर्घधन आयु बड़ा आयु है ना, भवति इति, तो भवति धन इति। इस तरह से संधि विच्छेद है, तो संधि विच्छेद को देखने से भी उसके जब दो भाग उसको कर लोगे या जितना उसमें शब्द जुड़े रहते हैं तो अलग अलग कर लेने से उसका अर्थ समझ में आता है कि वाकई में क्या अर्थ है। एक साथ संस्कृत में देखना, कभी कभी आगे क्लासों में जाओगे तो कुछ बड़े बड़े शब्द रहते हैं, तीन चार शब्द एक ही साथ जुड़ा रहता है। संधि विच्छेद यदि आपको आ रहा है तो बिल्कुल आप उसका अर्थ को बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद खाली स्थान दिया हुआ है, तो खाली स्थान दिया जैसे मानव मानवस्य आहार की दृश्य क्या था, क्या होना चाहिए शुरू वाले में, भवेद, मानव से आहार की दृश्य भवेद। दूसरा खाली स्थान आहारेण संवर्धते, ठीक है, तो शिशवा दूसरे में क्या आएगा, शिशवा आहारेण संवर्धनते, बच्चा जो है आहार से बढ़ते हैं। तीसरा है दुग्धम घृतम तक्रम दधि इत्यादि, क्या है ये सब पेय पदार्थ हैं, तो पेयम अस्ति है ना, दूध दही मठा दही इत्यादि जो है दूध घी मठा दही है ना, ये सब क्या है, पेयम अस्ति यानी पीने योग्य यानी पीने पदार्थ पीने वाले पदार्थ हैं। चौथा खाली स्थान, तो बल वर्धकम, कौन सा बल बढ़ाते हैं, तो घृतम घी जो है बल को बढ़ाता है। ठीक है, अब इसमें देखो लिखा है तुम्हारे पुस्तक में कुछ दिया है, व्याकरण के सवाल दिया है कि क्या है, अस्मत का रूप लिखो है ना, अस्मत का है, अस्मत है ना, अस्मत और युष्मत है ना, दो आते हैं जैसे मैं और तुम, तो तुम जैसे चले उसी युष्मत का तुम चलेगा, अस्मत का मैं के लिए ना, अहम, तो अहम अवाम वयम, उसमें देखो उसी तरह से प्रथमा द्वितीय विभक्तियां जो है इसी तरह से रहेंगे, एक वचन द्विवचन और बहुवचन, और उसी तरह से हम आवाम वयम। तो अस्मत का जब रूप आप पढ़ोगे तो इस तरह से दिखेगा इसमें है ना, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, आपकी पुस्तक में इसे दिया हुआ है पीछे तरफ, और उसके बाद फिर पा का दिया हुआ है, ये ना पा यानी पी विधातु, तो इसका भी रूप दिया हुआ है, प्रथम पुरुष सामान्य पुरुष उत्तम पुरुष में दिया है कि है ना, पिबती पिबता पिबंती पिबतियाँ, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, पिबंती है ना लास्ट में, बहुवचन पिबती छप गया है, हाँ उसमें पिबंती होना चाहिए, हाँ तो देख लेना, बाकी ठीक है, बाकी सब ठीक, इसी में थोड़ा सा पिबंती इसमें कर लेंगे है ना, बाकी सब ठीक है। तो आप धातु रूप इस तरह से इसमें दिया हुआ आपके लेसन एक्सरसाइज में अभ्यास तरफ, तो उसको बना लेंगे, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।